नमस्कार, यस डाटा न्यूज पे आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं आज उस ऐतिहासिक जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर महात्मा गांधी ने 15 अप्रैल 1917 को सत्याग्रही आंदोलन की शुरुआत की थी। ये बेहद ऐतिहासिक जगह है और इस बार ये ऐतिहासिक जगह कई मायनों में और कई बातों में और मायने रखती है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 7 तारीख को 12 सीटों पर मोतिहारी में वोटिंग होनी है। चंपारण का इलाका है और तमाम चीज़ें मैं पीछे का नज़ारा पहले दिखाना चाहता हूँ। ये गांधी संग्रहालय जहाँ पर महात्मा गांधी से जुड़ी थी तमाम चीज़ें मौजूद हैं। को लेकर वोट पहले विकास के नाम पर अच्छा नीतीश कुमार का वोट देंगे। विकास होगा है जो है बिजली थोड़ा जो है हमारे यहाँ पर जो है उनको अच्छा सुविधा है, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार को यहाँ से आपके विधायक जी प्रमोद कुमार लगातार दी जा रहे हैं 2005 से क्या हाँ उनका उम्मीद ठीक है। उनके विकास कार्यों से जनता के बीच भी हमने काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हैं और आपका अपना हाँ एकदम ठीक है। कुमार एकदम ठीक है, प्रमोद कुमार का काम आप संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय विश्वविद्यालय है, अभी तक कैदी नहीं हो पाया, चीनी मिल है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, विकास हो सबका, उसके बाद आत्मनिर्भर बने जी। अच्छा, स्थानीय मुद्दा कितना हावी है इस चुनाव में? स्थानीय मुद्दा क्या, बहुत सफाई है सब, स्थानीय मुद्दा है नहीं। आखिरी सवाल है सर, बड़ी संख्या में बिहार के जो मजदूर थे और जो काम कर रहे थे वो पैदल चलकर और तमाम जगहों से यहाँ पहुँचे, मुंबई से या यूपी से, यह मुद्दा इस चुनाव में कितना हावी है? देखिए आए पैदल मानते हैं हम, जो टीवी माध्यम से देखे, आंखों देखे हाल तो नहीं बता सकते, हम लोग टीवी के माध्यम से देखे, आते हुए जैसे है ट्रक पर लगा के आए, पैदल आए जैसे आए, लेकिन 10 दिन रहने के बाद उसमें से 50% लोग वहाँ से गाड़ी आए और जा भी चुका है। 7 तारीख नीतीश कुमार जी का 15 साल का कार्यकाल हो गया, इसको आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक का क्या उम्मीद लग रही, क्या ना बढ़ाएगा? अच्छा, उनके कार्यकाल को भी बढ़ाएगा जी। दो युवा चेहरे हैं आपके सामने, तेजस्वी यादव है और पासवान जी। चिराग पासवान से तो उम्मीद किया जा सकता है, लेकिन तेजस्वी से तो हमको नहीं लगता है कि कोई उम्मीद किया जा सकता है। अच्छा, उनका बैकग्राउंड कितना बढ़िया है आपको भी पता है, बाकी और लोगों को भी पता है। चिराग पासवान अच्छा काम कर सकते हैं अगर उनको मौका मिले तो। अच्छा, सबसे दुर्भाग्य हम लोग यही मानते हैं आम पब्लिक कि लोग अपने लोभ के लिए कहीं से कहीं चल जा रहा है, स्वार्थ के लिए, ये हम लोग नहीं चाहते, लेकिन कोई उपाय नहीं। कुल मिलाकर 7 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है। मैं पहले फिर से बता देना चाहता हूँ, 28 तारीख को 53% वोटिंग, 78 सीटों पर 3 नवंबर को यानी कल 94 सीटों पर 54 यानी 54% वोटिंग हुई, 7 तारीख को 78 सीटों पर वोटिंग होनी है और वो कितनी परसेंट होगी ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा। फिलहाल ये भी तय कर देगा कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा और बिहार में किसकी बहार होगी। फिलहाल तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरदार हुसैन के साथ, जजरा न्यूज़।